मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने बयानों के चलते हमेशा चर्चित रहते हैं और मंगलवार को भोपाल में संत सम्मेलन में दिग्विजय सिंह ने हिंदू संगठनों और सनातन संस्कृति की दुहाई देते हुए कहा कि भगवा वस्त्र की आड़ में लोग चूर्ण बेच रहे हैं, मंदिरों और धर्म स्थल पर अनैतिक काम हो रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर रेड नाइट न्यूज पर दिग्विजय सिंह किस अंदाज में हिंदू संगठनों पर निशाना साधते हुए नजर आए। भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूर्ण बेच रहे हैं, भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। क्या यही है हमारा धर्म? हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है उन्हें ईश्वर भी माफ नहीं करेगा।